अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम थोड़ा चाइनीज़ की तरफ जाएंगे, तो आज मैं आपको देने वाली हूँ कॉम्बो रेसिपी। तो आज बनने वाला है ज़बरदस्त सा चिली चिकन और बनेंगे ज़बरदस्त से फ्राइड राइस। तो चले देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने एक टोमेटो लिया था, उसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। दो शिमला मिर्च ली थी, उनको भी मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 1/2 कप इसके अंदर मैंने ग्रीन अनियन ली है। अदरक लिया है मैंने इसके अंदर चॉप लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। लहसुन भी चॉप लिया है 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें ली हैं मैंने इसके अंदर 3 से 4। इस मेरे पास ग्रीन चिलीज भी थी और रेड भी थी, तो मैंने दोनों ले ली हैं, इस तरीके से कट कर ली हैं बारीक। इसके अलावा मैंने इसके अंदर एक एग लिया है। 3 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा कॉर्न फ्लावर। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें। 1/2 टीस्पून काली मिर्चें जाएंगी। 1 टीस्पून नमक जाएगा और 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा मैदा फ्लावर जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर मैंने चिकन ली है, बोनलेस ली है, ये 1 kg है। मैंने इस तरीके से ये देखें इस तरह से लंबा लंबा कट कर लिया है। आप चाहें तो क्यूब्स में भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून इसके अंदर जाएगा हॉट सॉस। 1 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर केचप। मेरे पास ऑस्टर सॉस है, ये देखिए ये जाएगा 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस। तो चलें नाजरीन हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने बंद गोभी ली है 1 पाव। अगर ग्राम से मेजर करें तो 250 ग्राम्स बनती है। उसको मैंने इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लिया है। हरी प्याज की प्याज मैंने ली है इसके अंदर 1/2 कप। इसको भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन मैंने चॉप ले लिया है। 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, उनको भी चॉप कर लिया है। 1 मैंने इसके अंदर ली है गाजर, बड़े साइज़ की ली थी, तकरीबन 1 कप बनती है। उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसको भी इस तरीके से कट कर लिया है लंबा लंबा। इसके अलावा इसके अंदर मैंने चावल लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं 2 कप। मैं इसको भिगो दूंगी आधे घंटे के लिए और इसको बॉईल कर लूंगी 2 टेबलस्पून नमक डाल के। सिंपली हमें इसको बॉईल करना है। 3 अंडे लिए हैं 1 कप। इसके अंदर मैंने हरी प्याज ली है। 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा और 1 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा ऑस्टर सॉस। तो चले नाजरीन जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब मैं चिकन की मैरिनेशन कर लेती हूँ। चिकन मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया था। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी एग। एग जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने तोड़ लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें एग चला जाएगा। एग डालने के साथ ही इसके अंदर चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देंगे इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ स्पाइसेस, नमक, मिर्च और काली मिर्ची जो मैंने आपको बताई थी, और इसके अलावा कॉर्न फ्लावर और मैदा। ये दोनों बाइंडिंग एजेंट हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सब चीज़ें मैं एक साथ डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं। और डालने के बाद अब मैं हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ऊपर नीचे करके। सब चीज़ें डाल के मैंने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी ऐसे ही बाहर रूम टेम्परेचर पर। फिर इसको हम फ्राई करेंगे। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। डीप फ्राई करेंगे हम चिकन को। चिकन हमारी मैरिनेट हो गई है, इसको हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। टेम्परेचर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, अच्छा गर्म हो गया है हमारा तेल। अब मैं इसके अंदर जो मैरिनेटेड चिकन है एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें डालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए टेम्परेचर हमारा बहुत अच्छा है, बिल्कुल बस यही टेम्परेचर हमें चाहिए। मीडियम फ्लेम है इस वक्त मेरा। मैं गुंजाइश के हिसाब से इसके अंदर डाल दूँगी चिकन, जितनी गुंजाइश है इस तरीके से। जितनी गुंजाइश थी मैंने उतनी चिकन डाल दी है। अभी मैं इसको टर्न नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं छूँगी। पहले 2 से 3 मिनट इसी तरीके से पकाऊँगी मीडियम फ्लेम पे। कुकिंग हो रही है चिकन की। अब मैं इसको टर्न करके देख लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकना शुरू हो गए। बस हमें इसको अच्छे से गलाना है। इसमें सारे टर्न कर दूँगी इस तरीके से। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। मैं सारी चिकन को इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन गई है। बस अब इसी तरीके से फ्राई करनी है। चिकन हमने फ्राई कर ली थी। उसके बाद का स्टेप ये है कि चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून ऑयल। ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने चिकन को फ्राई किया था। ये जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। ऑयल में डालने वाली हूँ मैं चॉप अदरक, ये चॉप्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर चला जाएगा। चॉप्ड लहसुन, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। चॉप करके डालिएगा, पीस के नहीं डालिएगा, इसका एक अपना ही जायका आता है। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी।
लहसुन अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब साथ ही इसके अंदर चली जाएंगी हरी मिर्चें जो मैंने कट करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको भी मैं अच्छे से भूनूंगी एक मिनट के लिए। लहसुन अदरक और हरी मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। मैं सारा काम हाई फ्लेम पे कर रही हूँ, चाइनीज़ हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अनियन जो मैंने कट करके रखी थी, साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी मैं शिमला मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं बस हल्का सा सौते करूँगी, सॉफ्ट नहीं करना है, क्रंची ही रखना है सब चीज़ों को। बस एक से दो मिनट के लिए हाई फ्लेम पे इसको भूनूंगी। सब्जियां हमारी हल्की हल्की क्रंची हैं, मैंने बस इसको हल्का सा पकाया है एक से दो मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सोया सॉस। सोया सॉस जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सोया सॉस चला जाएगा इसके अंदर और साथ ही इसके अंदर चला जाएगा ऑयस्टर सॉस। ये ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था, लेकिन आपके पास हो तो आप डालें वरना मत डालें। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है ऑयस्टर सॉस की। बस ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हॉट सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो मैंने आपको दिखाया था इसमें हॉट सॉस चला जाएगा, साथ ही इसके अंदर चला जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ टमाटर। टमाटर डाल दूंगी। टमाटर का इस बहुत अच्छा लुक आता है, बस डालने का मकसद ये, थोड़ा सा रेडिश बन आ जाता है, खूबसूरत लगता है। बस इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए और पकाऊंगी हाई फ्लेम पर। सब्जियां हमारी पक रही हैं, देखें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। थोड़ा क्रंचीपन रखना है हमें, इसको बिल्कुल नरम नहीं करना है वरना ये मज़ा नहीं देती, कलर चेंज कर लेती हैं। तो बस इसको यही टेक्सचर चाहिए, बहुत ज़बरदस्त सा हो गया। अब मैं इसके अंदर फ्राइड चिकन डालूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी क्रिस्पी, कितना ज़बरदस्त कलर आया जो हमने फ्राई करके रखी है। सब इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन मैंने इसके अंदर डाल दी है। चिकन डाल के इसको हल्के हाथ से इस तरीके से हमने मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है, इतना कलरफुल माशाल्लाह बन रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए और इसी तरीके से हम पकाएंगे। अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं क्या करूँगी इसके अंदर, मैंने कॉर्नफ्लावर लिया था 1.5 टेबल स्पून, उसको 1/2 कप पानी में मैंने डिज़ोल्व कर लिया है। ये मैं इसके अंदर डालूंगी अच्छे से चला के, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए बस ये डाल देंगे और डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। कॉर्नफ्लावर डाल के बस मैंने 1 मिनट इसको पकाया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर आ गया है। मैंने थोड़ा ड्राई फॉर्म में रखा है, अगर आपको थोड़ा लिक्विड में चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर और पानी को थोड़ा सा और डिज़ोल्व करके डाल सकते हैं, लेकिन चिली चिकन का जो टेक्सचर होता है वो ऐसा ही होता है। ज़बरदस्ती चिली चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम फ्राइड राइस की तैयारी कर लेते हैं। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वही ऑयल है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। हमारा गरम हो गया है। 3 एग जो मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने तोड़ लिए थे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 1 पिंच के करीब नमक डाला और इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसको इस ऑयल के अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैंने डाल दिया है। अभी मैं बिल्कुल टच नहीं करूँगी, इसके बड़े पीसेस रखने, थोड़ा पकने दूंगी, उसके बाद इसके अंदर चमचा चलाऊंगी। मैं इसको चलाना शुरू कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इतने बड़े बड़े हमें पीसेस चाहिए, हमें एग फ्राई चाहिए इस तरीके से। ये देखिए एग हमारा फ्राई हो गया है। देखिए माशाल्लाह से इसका एक गोल्डन कलर आने लगा है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी सारे एग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से सारा एग मैंने निकाल लेना है। बस इसी तरीके से निकल जाएगा। कढ़ाई से मैंने निकाल लिया था एग, अब उसी के अंदर दोबारा से 2 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल डालने के साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी चॉप्ड लहसुन जो मैंने आपको दिखाया था, चॉप्ड लहसुन ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको हल्का सा सौते करेंगे, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। डालने के साथ ही इसके अंदर चली जाएंगी चॉप्ड ग्रीन चिलीज, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, ये ज़रूर डालिए इसमें। बस इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई करूँगी ग्रीन चिलीज को। इसमें डाल रही हूँ हरी प्याज की प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसके अंदर डाल दूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाऊंगी हाई फ्लेम पे। सारा काम हाई फ्लेम पे करना है, चाइनीज़ हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है। बस मैं 1 से 2 मिनट मैंने इसको प्याज को पका लिया है। क्रिस्पी ही रखना है, क्रंची रखना है हमें, इसको सॉफ्ट नहीं करना है। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ बंद गोभी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसको फ्राई करूंगी हाई फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। बंद गोभी को मैंने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, हमें सॉफ्ट नहीं करना है, क्रंची ही रखना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ
शिमला मिर्च और गाजर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसको क्रंची ही रखूंगी। क्रंची सी फ्राई हो रही हैं हाई फ्लेम पे, 2 से 3 मिनट हो गए हैं सब्जियां डाल के फ्राई करते हुए। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच, मैंने शुरू में नहीं बताया था, हल्का सा टेस्ट डेवलप करने के लिए। चावलों में ऑलरेडी नमक है बॉईल करते वक्त, और 1 पिंच ही इसके अंदर डालूंगी पिसी हुई काली मिर्च, हल्का सा फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए। बस थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसको। सोया सॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 टेबल स्पून, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ऑस्टर सॉस कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप डालें, वरना इसको आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ये डाल दूँगी। बस इसको हल्का सा मिक्स करूँगी। हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी प्याज डाल के इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और मैं इसका फ्लेम अब ऑफ कर दूँगी। कर दिया था, अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर वो वाले एग डालूंगी जो मैंने फ्राई करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एग डाल दूंगी और साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी बॉयल्ड राइस। ये मैंने चावल बॉयल करके रख दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी, सब डाल दूँगी इसमें। डाल दी है फ्लेम, मैंने अब ऑन कर दिया है। अब हमें इसकी मिक्सिंग करनी है बहुत अच्छे से, ऊपर नीचे करके। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है जैसे जैसे हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्राइड राइस बने, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम में हाई रखूँगी। मिक्सिंग अच्छे से हो गई है, ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से फ्राइड राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ज़बरदस्ती चिली चिकन और फ्राइड राइस हमारे रेडी हैं। ज़बरदस्ती मैंने एक प्लेटर तैयार कर दी है कॉम्बो कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं पूरा घर महक रहा है खुशबू से, बाज़ार जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। अब आप घर में ही रेडी कर सकते हैं ज़बरदस्ती प्लेटर। ट्राई करें, ट्राई करने के बाद मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।